हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू, और ये रिव्यू है मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम। तो मैं अभी जो मामा अर्थ की रेंज है वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, जैसे उनकी नाइट क्रीम, उनकी डे क्रीम, उनका मास्क और उनकी अंडर आई क्रीम। तो जो ये पूरी रेंज है मामा अर्थ की वो नेचुरल है। मुझे 1 मंथ हो गया है सब कुछ यूज़ करते हुए और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा है मुझे, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है। तो मुझे काफ़ी डर लगता है जब मैं कोई प्रोडक्ट चेंज करती हूँ। तो ये जो रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सेंसिटिव स्किन के लिए। तो फिलहाल जो मेरा करंट ऑब्सेशन है वो है मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स, और रियली गाइज अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट रिव्यू की तरफ। तो ये है बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम विद मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी। क्रीम है ये बेसिकली फॉर्मुलेटेड है अगर आपको एक्ने स्कार्स है, ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है, और अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, उसके लिए जो क्रीम है वो फॉर्मुलेटेड है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि जब भी आप कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसे कम से कम 1 महीने तक यूज़ करिए, और उसके बाद जो उसके रिजल्ट होते हैं वो आपको फाइनली आपकी स्किन पे दिखते हैं। तो किसी भी चीज़ के रिजल्ट आने में आपको उस चीज़ को सिंसियरली फॉलो करना पड़ता है। तो सेम विथ एवरी प्रोडक्ट आपको जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है। तो चलिए अब हम लोग इस क्रीम को देख लेते हैं। तो ये जो क्रीम है ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है और इसमें लिखा है फॉर अनइवन स्किन टोन। तो अगर आप मेरे मेकअप ट्यूटोरियल वॉच करते हैं तो आपने देखा होगा मेरी स्किन जो है वो काफ़ी अनइवन पिगमेंटेड थी। जो मैंने लास्ट मेकअप ट्यूटोरियल शूट किया था वो मैंने अराउंड फेब्रुअरी शूट किया है, और ये जो है मैं आई थिंक गोवा जब गई थी तब मैंने जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट है वो यूज़ करना शुरू किया था। अब अराउंड मुझे 1 मंथ हो गया है, और उस वीडियो में आप देखेंगे मुझे काफ़ी पिगमेंटेशन थी। अब मैं विदाउट मेकअप भी आती हूँ बट मुझे पिगमेंटेशन नहीं है। आप लोग पूछते हैं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, तो मैं कई बार चीज़ें यूज़ करती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हो, जैसे मैं पोटैटो स्लाइस जूस, टमाटो जूस, ये सब फेस पे लगा लेती हूँ, बट रेगुलर बेसिस पे वो सब चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्रीम क्लेम क्या करती है। ये क्लेम करती है कि ये नेचुरल रेमेडी है फॉर पिगमेंटेड स्किन। अगर आपकी स्किन पिगमेंटेड है या आपको स्कार्स हुए हैं तो ये उसे नेचुरली ट्रीट करती है। इसमें है ऑर्गेनिक डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, मलबरी एक्सट्रैक्ट विथ लेवेंडर ऑयल। इट क्लेम्स एंड सूथ द स्किन, रिड्यूसिंग द अपियरेंस ऑफ ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट, ए स्पॉट एंड डिस्कलरेशन। तो आपकी स्किन को इन शॉर्ट इवन आउट करेगी ये। सेकेंड ये जो क्लेम करती है वो है सप्रेस द सन डैमेज, मतलब जो आपकी स्किन पे सन के थ्रू डैमेज हुआ है लाइक टैनिंग और कुछ भी, और उसके कारण जो आपकी स्किन है वो पिगमेंटेड हो गई। तो पिगमेंटेशन के भी कई कारण होते हैं तो उसे भी ये रिड्यूस करती है। तो ये इसमें डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है विथ विटामिन सी। तो विटामिन सी जो रहता है वो आपकी स्किन पे अगर स्कार्स है, पिगमेंटेशन है, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो विटामिन सी आप नेचुरल सोर्सेज के थ्रू भी ले सकते हैं, लाइक आप ऑरेंज पील का जो मास्क है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वो सब चीज़ें जो रहती है होम रेमेडीज़ वो रेगुलर बेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप एक क्रीम यूज़ कर रहे हैं और उसमें सब कुछ है तो वो काफ़ी इजी मेथड रहता है आपके लिए किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का। उसके बाद ये क्लेम करता है ये सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप है, और ये ट्रू भी है क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है प्लस ऑयली है, कभी कभी बहुत रेयरली ड्राई हो जाती है अगर मैंने कुछ ऐसा यूज़ कर लिया तो, बट ये सेफ है सबके लिए। सर्टिफाइड टॉक्सिक फ्री, तो ये सर्टिफाइड ब्रांड है तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके रेट पे। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 599 रुपीज, और आपको मिलता है 50 ml ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से खरीदते हैं इस क्रीम को तो आपको ऑफ मिल सकता है, आपको जो कूपन कोड है चांदनी20 वो अप्लाई करना है, और साथ में आपको ये डिफरेंट वेबसाइटें मिल जाएगा जैसे कि अमेजोन। तो हम लोग देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग। तो ये है इसकी पैकेजिंग, ये एक हार्ड कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है इस तरह की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम विथ मलबरी एंड विटामिन सी एक्सट्रैक्ट, और फ्रंट में ही आपको लिखा है फॉर अनइवन स्किन टोन, मिनरल ऑयल एंड पैराबिन फ्री विथ बायो एक्टिव सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। और यहाँ पे डायरेक्शन फॉर यूज़ लिखी हुई है कि आपको इसे किस तरह से अप्लाई करना है,
टिप्स लिखी हुई है कि आपको रेडियंट स्किन के लिए क्या करना है। तो सबसे मेन टिप तो इसमें यही मेंशन है कि आपको 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना है। तो काफ़ी अच्छा रहता है ये कि अगर आप ये जो चीज़ है ये फॉलो कर लें तो आपकी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर यहाँ पे लिखा है ये किसके लिए सुटेबल है, तो ये हर स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, न्यू मॉमीज के लिए सुटेबल है और मेन एंड वेमेन दोनों के लिए सुटेबल है और ऑल स्किन टाइप प्लस सेंसिटिव स्किन के लिए सुटेबल है। उसके बाद यहाँ पे बैच नंबर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, ये मैन्युफैक्चरिंग के 3 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली है। तो जिसकी नाइट क्रीम है और डे क्रीम है वो भी कुछ इसी तरह की पैकेजिंग में आती है और साथ में जो अंडर आई क्रीम है वो सेम इसी पैकेजिंग में आती है, तो काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली बन जाता है ये। और यहाँ पे भी सेम चीज़ें मेंशन हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन सी और मलबरी एक्सट्रैक्ट आपके पिगमेंटेशन स्किन को इवन आउट करता है, तो काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है। अब हम लोग चलते हैं इसके डायरेक्शन ऑफ यूज़ पे, तो इसे आपको फेस क्लीन करके अप्लाई करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको पी साइज लेना है और आपको इसे फुल फेस पे अप्लाई करना है। बट मैं क्या करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं सुबह फेस वॉश करती हूँ तो मैं एकदम टाइनी बिट इतना सा मैंने इसे लिया और जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन या स्पॉट्स मुझे लगता है तो मुझे यहाँ पे थोड़ी पिगमेंटेशन है और यहाँ जो पिंपल स्पॉट है वो है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा लेके क्लीन फेस पे अप्लाई करती हूँ और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आप देखिए, बहुत ही आराम से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैं इसे फुल फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ, आप चाहें तो फुल फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैंने फेस वॉश किया फिर मैंने इसे वहाँ अप्लाई किया जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं 15 मिनट तक वेट करती हूँ, उसके बाद जो भी मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ उसके हिसाब से मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ और अगर मेरे को मेकअप करना है मैं करूँगी, नहीं करना है नहीं करूँगी। तो इस तरह से आपको इसे 2 बार यूज़ करना है। आप इसे सुबह यूज़ कर सकते हैं और रात में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे सुबह इस तरह से यूज़ करती हूँ और रात को क्या करती हूँ, जब मैं फेस वॉश करती हूँ सेम इसको अपनी जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे लगाती हूँ और उसके बाद जो अपनी नाइट क्रीम है 15 मिनट बाद जब ये अच्छे से सेट हो जाती है और आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है उसके 15 मिनट बाद जो मेरा नाइट टाइम स्किन रूटीन है उसके हिसाब से जो भी मॉइस्चराइजर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं लगाती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि जो नाइट टाइम रहता है वो आपकी स्किन रिपेयरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नाइट टाइम तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़िए। फ्रेग्रेंस थोड़ी सी स्ट्रांग है बट सूदिंग है। तो अब मैं चलती हूँ अपने एक्सपीरियंस की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसे गोवा के टाइम से यूज़ करना शुरू किया था, तो अराउंड 1920 फरवरी मैंने जो मामा अर्थ की रेंज है वो यूज़ करनी शुरू करी है, क्योंकि जब भी मैं कोई रिव्यू करती हूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ, मैं चीज़ें देखती हूँ उसके बाद कोई भी चीज़ के उस पर आती हूँ, क्योंकि मुझे अबाउट 1 मंथ हुआ है तो मैं आपके साथ जो अपने एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने इसे अप्लाई करना शुरू किया, जहाँ जहाँ मुझे पिंपल स्पॉट्स थे वो ऑल ओवर ख़त्म हो गए हैं 1 मंथ के अंदर। मुझे यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया और जो मेरी पिगमेंटेशन है अगर आप मेरी अब की वीडियो वॉच करेंगे तो वो एकदम लाइट हो गई है, लाइक ऑलमोस्ट गॉन है, जो मेरी स्किन टोन है उससे वो लाइक स्लाइट 19-20 का डिफरेंस बचा है क्योंकि मुझे यहाँ पे है वो जो हाइपर पिगमेंटेशन है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मामाज अर्थ की बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम का। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, पिंपल्स आते हैं और वो स्कार छोड़ जाते हैं, क्योंकि पिंपल एक इशू नहीं रहता, इशू रहती है स्कार्स, तो स्कार्स आपका इशू है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी क्रीम है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का वो बहुत अच्छा है, मुझे कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है मामाज अर्थ की रेंज से। और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है उन सबसे आपको छुटकारा चाहिए तो आप मामाज अर्थ की बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। जो भी लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, मेरा 100% ऑनेस्ट रिव्यू है, कुछ भी बायस नहीं है, जो मैंने फील किया 1 मंथ के अराउंड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय।